गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। इससे पहले वाले वीडियो में हम न्यूमेरिकल डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं। इसके बाद टॉपिक है आता है हमारा न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसके अंदर पढ़ेंगे हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है, इसमें कौन कौन से फार्मूले यूज होते हैं, उनका उपयोग कहाँ कहाँ कब कब किस किस कंडीशन में करना चाहिए, वो आज हम इस वीडियो में अंदर पढ़ेंगे। इससे पहले हम ले लेते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन क्या होता है। न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन किसी कर्व का हमें जो लिमिट दी हुई है उस करस्पॉन्डिंग इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना होता है, तब हम इंटीग्रेशन यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन है उसके अंदर हम क्या करेंगे, एक बार डेफिनेशन ले लेते हैं हम। द एरिया एरिया बाउंडेड बाय द कर्व एफ एक्स एंड एक्स एक्सिस बिटवीन लिमिट्स ए एंड बी, यहाँ हमारी लिमिट्स दी हुई है और उसको हम डिनोट करते हैं आई बराबर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, या हम ए टू बी वाई डी एक्स से भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय द इंटरवल ए कॉमा बी इंटू एन इक्वल इंटरवल्स विथ लेंथ एच स्टेप साइज ए और बी, यहाँ पर है ए जीरो इजिक्स टू एक्स जीरो होता है एंड एक्स वन एक्स टू, ये अभी हम बताएंगे कैसे निकालते हैं एक्स वन इजिक्स टू बी। इट मीन्स हमको जो इंटीग्रल दिया हुआ है उस इंटीग्रल जैसे इंटीग्रल दिया है लिमिट दी रखी है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, यहाँ हम क्या करते हैं जो हमारी लिमिट्स है लिमिट्स को हम एन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और उसे हम डिनोट करते हैं ऐसे एच, यहाँ हमारा इंटरवल होता है। उन सभी इंटरवल्स को जैसे मान लीजिए हमारा कोई कर्व है y इज इक्वल टू एफ एक्स को कर्व है, यहाँ लिमिट a है यहाँ लिमिट b है, इसको इंटीग्रेट करना है तो हम क्या करते हैं न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन में इसे n पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। मान लीजिए ये है y0, ये y1, y2, y3, yn, y4 एंड अप टू ये है हमारा yn या लिमिट b है, तो हम क्या करते हैं इन सभी पार्ट्स को सम करके हम उसका इंटीग्रल की वैल्यू निकालते हैं। वो हमारी इससे डिफरेंट वैल्यू होती है, तो यहाँ हम इंटीग्रेशन के लिए सबसे पहले h इंटरवल उसको n पार्ट्स में डिवाइड करके h इंटरवल ज्ञात करेंगे और फिर इसको चार मेथड से इंटीग्रेट कैसे करना है वो निकालेंगे। तो सबसे पहला जो है हमारा वो कहलाता है, वो नियम है ट्रेपीजॉइडल नियम। ट्रेपीजॉइडल रूल से हम न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन कैसे ज्ञात करेंगे। ट्रेपीजॉइडल रूल यानी इंटीग्रेशन ऑफ ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये हमारा होता है एच अपॉन टू y0 प्लस yn यानी प्रथम पद और अंतिम पद प्लस ट्वाइस ऑफ y1 y2 y3 एंड अप सो ऑन एंड yn माइनस वन। यहाँ हम जो वैल्यू निकालेंगे हमारी जो हमें दी हुई है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले x0 फिर है x1 इस x3, तो यहाँ जो वैल्यू आएगी ये x की वैल्यू है, y की जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी हमारी y0 x1 जो है हमारा वो है x0 प्लस h, x2 है x0 प्लस 2h, x3 है x0 प्लस 3h एंड सो ऑन xn हो जाएगा हमारा xn प्लस nh, x0 प्लस nh। इसी के करस्पॉन्डिंग जो हमारी y की वैल्यूज है वो हम निकालेंगे, ये हो जाएगी हमारी y0, इसके करस्पॉन्डिंग y1, जो भी हमको फंक्शन दिया हुआ है y2, इसके करस्पॉन्डिंग y3, y0, y1, सॉरी y1, y2, y3 एंड सो ऑन एंड yn, इसे करस्पॉन्डिंग वैल्यू निकाल करके हम उसको फार्मूले में रख करके उसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा ये जो वैल्यू है न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन की वो आ जाएगी। किसी फंक्शन की वैल्यू है जो लिमिट्स दे रखी उसके अंदर आ जाएगी। दूसरा जो हमारा नियम है वो है सिम्पसन वन थर्ड रूल। इसमें ट्रेपीजॉइडल रूल में एक बात और ध्यान रखेंगे हम कि जो यहाँ हमारा है एन की किसी भी वैल्यू के लिए हम इसको निकाल सकते हैं, किसी भी वैल्यू पर हम ट्रेपीजॉइडल रूल का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन जो सिम्पसन वन थर्ड रूल है हमारा, सिम्पसन वन थर्ड रूल हमारा हम अप्लाई करेंगे उसके लिए जो n है हमारा वो n शुड बी मल्टीपल ऑफ 2 होना चाहिए।
तो यहाँ इसका फॉर्मूला है सिम्पसन वन थर्ड रूल, एच अपॉन थ्री वाई ज़ीरो प्लस वाई एन फोर टाइम्स वाई वन वाई थ्री, सारी ऑड वैल्यूज आ जाएंगी, एंड ट्वाइस ऑफ सारी इवन वैल्यू वाई टू वाई फोर एंड सो ऑन प्लस वाई एन माइनस टू। यहाँ हमारा ध्यान रखना है हमें एन शुड भी हमारा होना चाहिए मल्टीपल ऑफ टू, टू का मल्टीपल होना चाहिए तभी हम इसको इस फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा सिम्पसन थ्री बाय एट रूल। ये एक हमारा फार्मूला होता है न्यूटन कोट्स फार्मूला, उसमें हम यदि n इक्वल टू वन रखें, यहाँ ये है n इक्वल टू वन रखें तब हम ट्रेपेज़ॉइडल रूल बनता है हमारा, और n इक्वल टू टू रखें तब हमारा सिम्पसन वन थर्ड रूल बनता है, और यदि n इक्वल टू थ्री रखें तब हमारा सिम्पसन थ्री बाय एट रूल बनता है। तो यहाँ पर ये फार्मूला हो जाएगा सिम्पसन थ्री बाय एट फार्मूला एफ एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा थ्री एच बाई एट वाई ज़ीरो प्लस वाई एन प्लस थ्री टाइम्स वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई फोर प्लस वाई फाइव प्लस वाई सेवन प्लस एंड सो ऑन प्लस वाई एन माइनस वन एंड सिक्स टाइम्स सॉरी टू टाइम्स सॉरी थ्री के मल्टीपल आ जाएंगे जैसे वाई थ्री वाई सिक्स वाई नाइन प्लस एंड सो ऑन प्लस वाई एन माइनस थ्री। ये हमारा सिम्पसन थ्री बाई एट रूल है। इसके बाद आता है हमारा वेटल्स रूल जो कि एन इक्वल टू सिक्स रखने पर प्राप्त होता है। वेटल रूल न्यूटन कोट्स मेथड में यदि एन इक्वल टू सिक्स रखें तो हमारा वेडल रूल प्राप्त होता है। वेडल रूल हो जाएगा हमारा ए टू बी वाई डी एक्स या एफ एक्स डी एक्स इजिक्स टू, इसमें हमारा एन शुड बी यहाँ लिख लेते हैं एन शुड बी मल्टीपल ऑफ थ्री, यहाँ हमारा हो जाएगा थ्री एच बाय टेन वाई ज़ीरो प्लस वाई एन भी ना लिखें तो हम कुछ टर्म्स लिख सकते हैं वाई ज़ीरो प्लस फाइव वाई वन प्लस वाई टू सिक्स वाई थ्री प्लस वाई फोर प्लस फाइव प्लस टू वाई सिक्स प्लस फाइव वाई सेवन प्लस वाई एट प्लस एंड सो ऑन। यहाँ हमारा जो एन है शुड बी मल्टीपल ऑफ सिक्स होना चाहिए, इट मीन्स जब हम पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो यहाँ हमारा जो एन है कुछ भी हो सकता है, लेकिन सिम्पसन वन थर्ड रूल में हमारा जो एन है वो होना चाहिए मल्टीपल ऑफ टू के। सिम्पसन थर्ड थ्री बाई एट रूल में फार्मूला हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब हमारा एन शुड बी मल्टीपल ऑफ थ्री होना चाहिए, एंड वेडल रूल तब यूज़ ले सकते हैं जब हमारा एन शुड बी मल्टीपल ऑफ सिक्स होना चाहिए। तो हम किस प्रकार इसको पार्ट्स में डिवाइड करके सॉल्व करेंगे, एक हम क्वेश्चन ले लेते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन यहाँ हम लिख देते हैं कंप्यूट द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग इंटीग्रल
बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल, आपके बाकायदा नाम से आएगा कि इस रूल से आप इसको सॉल्व कीजिए, बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल। क्वेश्चन है आपका आई बराबर 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स, इस इंटीग्रल को इंटीग्रेट करना है आपको बाय ट्रेपेज़ॉइडल रूल से। तो इसकी हम एक सारणी बना लेते हैं, फॉर्मूला हम लिखे रहने देते हैं। टेबल हम बनाने से पहले हमको इंटरवल जो है वो दिया हुआ है 0.2 और 1.4, जो हमारी लिमिट्स है, लोअर लिमिट है 0.2, अपर लिमिट है 1.4। तो इस लिमिट्स को हम डिवाइड करेंगे, h बराबर हमारा हो जाएगा 1.4 माइनस 0.2 डिवाइडेड बाय, हम इसको 6 पार्ट्स में डाट लेते हैं, जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करेंगे उतने ज़्यादा पार्ट्स में एक्यूरेसी बहुत अच्छी आएगी इसकी। तो यहाँ हम 6 ले लेते हैं ट्रेपेज़ॉइडल रूल के लिए, तो हमारा हो जाएगा 1.2 अपॉन 6, यानी यह अच्छा हमारा हो जाएगा 0.2। यहाँ हमने इसकी वैल्यू रख सारणी बनाई x है, फिर है हमारा साइन x, वैल्यूज हम टेबल से ले लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, लॉग ऑफ ई एक्स e की पावर x, और यहाँ लास्ट में आ जाएगा आपके पास y सॉल्व होके, y है हमारे पास साइन x माइनस लॉग ऑफ ई एक्स प्लस e की पावर x, सॉल्व कर रहे हैं, x है हमारे पास, वैल्यू ले ले 0.2, इंटरवल हमने 0.2 का लिया है, नेक्स्ट आ जाएगा 0.4, 0.6, 0.8 एंड 1.0, 1.2, 1.4, 6 पार्ट्स में डिवाइड करना है, x0, x1, x2, x3, x4, x5, x6 हो गए हमारे, इसे हम लिख लेते हैं x0, x1, x2, x3, x4, x5 और ये लास्ट है x6। साइन x की वैल्यू 0.2 के करस्पॉन्डिंग साइन 0.2 हम यहाँ मेरे पास लिखी हुई है, यहाँ से लिख लेते हैं 0.19867, यहाँ है 0.3894, 0.6 पे 0.5646, 0.8 पे 0.7174, 1.0 पे 0.8415, 0.9320, 0.9855। लॉग ऑफ x इसके करस्पॉन्डिंग लिख लेते हैं, ये है हमारे पास -1.6095, -0.9163, -0.5108, -0.2232, -0.1823 एंड लास्ट है 0.3365। ई की पावर एक्स की भी इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेते हैं, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी ई की पावर 0.2, 1.2214, 1.4918, 1.8221, 2.2255, 2.7183, 3.3201, 4.0552 है। बचाने के लिए मैंने इस कैलकुलेशन भी करके रखी है, सबसे पहले हमारी हो जाएगी y0, y0 की वैल्यू है हमारे पास 3.0296, y1 है 2.7975, y1 है हमारे पास 2.8975, y2 है 2.8, y2 हो गया हमारे पास, y3 हो जाएगा 3.1661, y4 है 3.5598, y5 है 4.0698 एंड लास्ट y6 है हमारे पास 4.7042। अब हमें क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यू रखनी है, h हमारे पास है, यहाँ लिख लेती हूँ मैं, h
है हमारा 1.4 माइनस 0.2 अपॉन 6 यानी 1.2 अपॉन 6 यानी 0.2। यही हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ देखिए जो हमारा फार्मूला है इसके अंदर हमारी वैल्यूज़ कहाँ तक जाएंगी, y ज़ीरो, y n की जगह y 6 आ जाएगा क्योंकि लास्ट टर्म हमारी क्या है 6 पर है, तो y 6 प्लस 2y1 y2 y3 y4 और y5 तक आ जाएगी। तो हम यहाँ लिख लेते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, इसमें वैल्यू रखी हमने h by 2 यानी 0.2 अपॉन 2, y 0 आ जाएगा हमारे पास 3.0296 प्लस y 6, यहाँ पहले मैं फॉर्मूला ही चेंज कर देते हैं, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा y 0 प्लस y 6 प्लस ट्वाइस ऑफ y 1 प्लस y 2 प्लस y 3 प्लस y 4 प्लस y 5। इसमें वैल्यू रख दी हमने 0.2 अपॉन 2, y 0 की वैल्यू 3.0296 प्लस 4.7042 प्लस ट्वाइस ऑफ हमारे पास वैल्यूज आ जाएगी 2.7975 प्लस 2.8975 प्लस 3.1661 प्लस 3.5598 प्लस 4.0698 एंड प्लस लास्ट लास्ट में यहीं तक आएंगी, वाई फाइव तक चाहिए और ये ब्रैकेट बंद। इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास जो इंटीग्रल है, आई मान लेते हैं इसे इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल की वैल्यू ये हमारे पास है 0.2 से 1.4 साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो सॉल्व करने पर हमारे पास यहाँ आंसर आ रहा है 4.07152। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह 4.07152। इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल से भी सॉल्व करके इसके अंदर त्रुटि भी निकाल सकते हैं कि इंटीग्रल हमने लिया जो हमारा इंटीग्रल है साइन एक्स माइनस लॉग फंक्शन जो है हमारा साइन एक्स माइनस लॉग ऑफ ई एक्स प्लस ई की पावर एक्स इंटू डी एक्स है, इसको हमने इंटीग्रेट कर लिया, साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स माइनस ये लॉग एक्स का हो जाएगा एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स और प्लस ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। फिर इसको लिमिट लगा दी हमने 0.2 से 1.4, तो हमारी जो वैल्यू आएगी उसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी त्रुटि भी निकल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इसके बाकी के जो रूल है हमारा सिम्पसन 1/3 रूल, सिम्पसन 3/8 रूल और वेडर रूल, उसको कैसे अप्लाई करना है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है।